अरे बाप रे भैया, देखा आपने, जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमें फॉर्म में आती जा रही हैं। आज इंग्लैंड ने क्या बल्लेबाजी की है, 208 रन का टारगेट दिया, 6 विकेट सिर्फ उनके गिरे हैं, और जवाब में ऑस्ट्रेलिया मैच तो हार ही गई है, लेकिन उन्होंने भी 200 रन पेल दिया है। अरे हम तो शुक्र मनाए, ये तो हमारे ग्रुप में नहीं है, जैसे इनका अपना होम ग्राउंड है, ये तो किसी को हिलने ना देती। अरे हाँ रोहित भैया, ये तो वाकई चिंता की बात है, ये जोस बटलर अभी जब पाकिस्तान में आया था तब तो ये अनफिट था, ये तो हमारी गुड लक थी ये जो अनफिट था, अभी जैसे ही चोटिल होके वापस आया आज इसने 32 गेंदों पर 68 मार दिया, और हेल जो है वहाँ भी उसका बल्ला तो चला था लेकिन इतना नहीं चला था, आज उसने 51 गेंदों पर 84 बनाया है, और मोइन अली को जो 7 बॉलें मिली उसने भी 10 रन बना दिए हैं, यूं इन्होंने टोटल जो है 208 रन बनाए हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, और जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी वो भी कमाल की थी, वार्नर को देखा आपने कैसे 44 गेंदों पर 73 बना दिए, और उनके मार्च ने 26 गेंदों पे 36 बना दिए, और स्टोनिस जो फिनिशर है उसने भी कमाल ही कर दिया, 15 गेंदों पे 35 बना दिए, वो तो इंग्लैंड की किस्मत अच्छी थी जो ऑस्ट्रेलिया उनसे हार गया है। अरे सुश्री के फिंच सुन जरा, जैसे दोनों कप्तान कैसे मेरी तारीफें कर रहे हैं, हम जरा चोटल हो गए थे पाकिस्तान टूर में, अभी चोटल होके वापस आए हैं, तो आज पहले ही मैच में खूब हमने बल्लेबाजी किया। हाँ बटलर भैया, बहती गंगा में मैंने भी हाथ धोए हैं, मैंने भी आज फिर खूब बेला है, दिल की बड़ास निकाल लिया, मजा आ गया आई तो। अबे बटलर भैया, क्यों बाबर के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, अभी उसी से सीरीज जीत के आए उनके होम ग्राउंड में, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे और वर्ल्ड कप में भी हम ही कामयाब होंगे, अब देख लेना पूरे हमारे प्लेयर सारे के सारे फॉर्म में आए हुए हैं। अबे सुसर के नाते चुप करो, ये तो हम मैच जीते जीते हार गए हैं, देखा नहीं मैंने कैसे आज आपके बॉलर की पटाई किया, एक दफा तो आपके भी कदम डगमगाने लगे हुए थे, मैं आउट हुआ तो आपने सांस लिया है। फिंच भैया, ये जो पीछे दो पाकिस्तान और इंडिया के कैप्टन बैठे हुए हैं, तारीफें तो ये हमारी कर रहे हैं, और टीम में इनकी भी बहुत ही स्ट्रांग हैं, और ये हमें खुश करके हमें हराएंगे, मुझे लगता तो यही है। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इन दोनों की भी टीमें बहुत ही तगड़ी हैं, इनसे भी हमें डरना पड़ेगा, ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए हमें।